हेलो एंड वेलकम टू ऑल रूम किचन डॉट कॉम। आज हम आप सभी के लिए एक एकदम ज़बरदस्त न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट लेके आए हैं फ्रॉम हिंजेवाड़ी आईटी पार्क लोकेशन बाय वेरी वेल नोन डेवलपर ऑफ पुणे। इस प्रोजेक्ट में आपको तीनों ही कॉन्फ़िगरेशन के फ्लैट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि 1 BHK, 2 BHK एंड 3 BHK फ्लैट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। साथ ही आपको इस प्रोजेक्ट में सिम्प्लेक्स 3 BHK एंड ड्यूप्लेक्स 4 BHK के ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तीन बेस्ट एंड ज़बरदस्त चीज़ें हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले नंबर वन है इसका लोकेशन। हिंजेवाड़ी आईटी पार्क के बिल्कुल बीचों बीच ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, इस वजह से आप लिटरली वॉकिंग डिस्टेंस पे बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज पा सकते हो इस प्रोजेक्ट से, जैसे कि इंफोसिस, विप्रो एंड टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज। आप लिटरली इस प्रोजेक्ट से वॉकिंग डिस्टेंस पे जा सकते हो। साथ ही इस प्रोजेक्ट से सिर्फ 3 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे आपको 100 से भी ज़्यादा कंपनीज देखने को मिल जाती हैं। साथ ही इस प्रोजेक्ट से वॉकिंग डिस्टेंस पे एक अपकमिंग मेट्रो स्टेशन का भी काम शुरू हो चुका है। तो लोकेशन वाइज अगर आप देख रहे हो तो हिंजेवाड़ी आईटी पार्क के बिल्कुल बीचों बीच ये प्रोजेक्ट है, जहाँ से आपको काफ़ी अच्छा रेंटल एंड रीसेल वैल्यू भी डेफिनेटली फ्यूचर में यहाँ पे मिल जाएगी। सेकंड बेस्ट पार्ट है, इस प्रोजेक्ट को जो डेवलपर्स डेवलप कर रहे हैं वो एक ब्रांडेड एंड वेल नोन डेवलपर है फ्रॉम पुणे, इस वजह से आपको टाइमली पोजीशन एंड क्वालिटी पोजीशन यहाँ पे मिल जाती है। थर्ड बेस्ट पार्ट है, यहाँ पे जो फ्लैट्स हैं इनका साइजिंग एंड प्राइजिंग काफ़ी एग्रेसिव रखा गया है। आइए इसे साइजिंग एंड प्राइजिंग को क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। 1 BHK लगभग 480 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया के हैं, 2 BHK लगभग 700 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया के हैं, 3 BHK 845 स्क्वायर फीट से लेकर 920 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया के यहाँ पे मिल जाते हैं। प्राइजिंग की बात करें तो 1 BHK लगभग 40 लैक्स, 2 BHK लगभग 60 लैक्स एंड 3 BHK लगभग 80 लैक्स के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। साथ ही आपको 3 BHK सिम्प्लेक्स का जो ऑप्शन है उसमें 950 स्क्वायर फीट कार्पेट का ये सिम्प्लेक्स है, जिसकी प्राइजिंग लगभग 85 लैक्स के आसपास आपको मिल जाएगी। एंड जो 4 BHK डुप्लेक्स है वो लगभग 1400 स्क्वायर फीट कार्पेट का आपको मिल जाएगा, जिसकी प्राइसिंग लगभग 1 करोड़ 20 लाख के आसपास आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स में स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड हैं तो उसके ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड हैं, उसके लिए आप हमें जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें, साइट विजिट के लिए आ जाइए। इस प्रोजेक्ट की सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। आइए सबसे पहले हॉल रूम किचन स्टाइल में सैम्पल फ्लैट की एक झलक देख लेते हैं। We'll be right back.
चलिए प्रोजेक्ट डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। टोटल 7 एकर्स के फ्री होल्ड लैंड पार्सल पर यह प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, जिसमें 5 रेसिडेंशियल टावर्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। इन 5 में से करंटली 2 टावर्स को बुकिंग्स के लिए ओपन कर दिया गया है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट के फर्स्ट 2 टावर्स हैं, इसलिए आपको काफ़ी अच्छी एग्रेसिव प्राइसिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया जाएगा। करंटली यहाँ पे टोकन स्टार्ट है, रिफंडेबल टोकन ऑफ 51,000 आप यहाँ पे लेके बुकिंग करा सकते हो। एंड लॉन्च वाले दिन पे आपको एक काफ़ी अच्छे ऑफर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप देखिए टोटल 7 एकर्स के लैंड पार्सल पे सिर्फ 5 टावर्स ही रहने वाले हैं। इस वजह से आपको काफ़ी सारा ओपन व्यू एंड ओपन वेंटिलेशन आपको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में एंड ओपन स्पेस इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूं फ्लोर्स की, तो आपको बेसमेंट एंड ग्राउंड पे पार्किंग मिल जाती है। उसके ऊपर 22 स्टोरीड ऑफ रेसिडेंशियल फ्लोर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK एंड सिंप्लेक्स 3 BHK एंड 4 BHK डुप्लेक्स यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। एमटीज़ की बात करूँ तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में सारी एमटीज़ दी गई है, इंक्लूडिंग स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस, किड्स प्ले एरिया जैसी सारी लैविश एमटीज़ एंड काफ़ी सारा ओपन स्पेस आपको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मिल जाता है। साथ ही में पोजीशन की अगर बात करूं तो दिसंबर 2025 से पहले पहले इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का पोजीशन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। चलिए अब क्विकली सैंपल फ्लैट का टूर करते हैं। अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आ रहा है तो आप बिल्कुल भी डिले मत करिए, नेक्स्ट 2 या 3 वीक्स में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का लॉन्च आने वाला है, तो उससे पहले आप टोकन डेफिनेटली परचेस कर लीजिए। आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को विजिट करना चाहते हैं या फिर जूम कॉल प्रेजेंटेशन चाहते हैं या फिर टोकन लेना चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट डेफिनेटली करें एंड जल्दी से जल्दी ज़रूर करें। चलिए अब सैंपल फ्लैट के टूर्स करते हैं। दोनों ही सैंपल फ्लैट का टूर करने वाले हैं, 3 BHK एज वेल एज 2 BHK। तो चलिए 3 BHK का सैंपल फ्लैट टूर करते हैं। ये जो सैंपल फ्लैट है ये 920 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का है। यहाँ पे जो वेरिएंट्स अवेलेबल है 3 BHK के, वो आपको 845 स्क्वायर फीट से लेके 920 स्क्वायर फीट कारपेट एरियाज के यहाँ पे मिल जाते हैं। आप जैसे फ्लैट के पास में आते हो, आपको ब्रांडेड हिकविजन का विडो डोर फ्रेम प्रॉपरली यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही कुछ इस तरीके का आपको डोर का फ्रेम प्रॉपरली यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि 3.5 फीट वाइड आपको प्रॉपरली मिल जाता है, ताकि आपको फर्नीचर मूवमेंट में आसानी हो। उस हिसाब से यहाँ पे वाइड डोर्स प्रॉपरली मिल जाते हैं। साथ ही डोर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरीके के हुक्स भी इंस्टॉल्ड पहले से मिल जाते हैं। सभी जो डोर्स हैं ये रबर पैडिंग के साथ आते हैं, ताकि कोई भी डोर आपका जो है डैमेज ना हो एंड जोर से बैंग ना हो। उस हिसाब से आपको रबर की पैडिंग्स हर एक डोर में मिल जाती है। 3 BHK में आप जैसे ही एंटर करते हो, आपको एक एंट्रेंस लॉबी डिसेंट साइज की मिल जाती है, ऑफ साइज 5x5। डोर के पीछे आप प्रॉपरली शू रैक इंस्टॉल कर पाते हो। उस हिसाब से इस पर्टिकुलर लॉबी का डिज़ाइन किया गया है। ये जो 920 स्क्वायर फीट वाला वेरिएंट है 3 BHK का, इसमें जैसे ही आप एंटर करते हो, इस तरफ आपको जो है गेस्ट बेडरूम मिल जाता है एंड लिविंग डाइनिंग के उस तरफ आपको किड्स बेडरूम एंड मास्टर बेडरूम मिल जाता है। अगर आपको एंट्री पे ही गेस्ट बेडरूम नहीं चाहिए, तो वैसे वाले वेरिएंट भी अवेलेबल है, जहाँ पे आपको लिविंग डाइनिंग के आगे तीनों बेडरूम्स प्रॉपरली मिल जाएंगे, तो वैसे वाले वेरिएंट्स भी यहाँ पे प्रॉपरली मिल जाते हैं। यह है 920 स्क्वायर फीट कारपेट वाला, जिसमें एंट्रेंस पे एंट्रेंस लॉबी है एंड इस तरफ आपको गेस्ट बेडरूम मिल जाता है। आइए गेस्ट बेडरूम को क्विकली चेक करते हैं। आपको स्पेशियस गेस्ट बेडरूम मिल जाता है, जिसकी अगर मैं साइजिंग की बात करूँ तो 10.3x12 साइज का आपको कुछ इस तरीके का गेस्ट बेडरूम या फर्स्ट बेडरूम आपके 3 BHK फ्लैट में प्रॉपरली देखने को मिल जाता है। साथ ही इसके साथ आपको काफ़ी बढ़िया हाइट एंड विड्थ की बड़ी सी विंडो मिल जाती है। सभी बेडरूम्स के साथ आपको इसी तरीके की बड़ी विंडो मिल जाएगी, जिसके साथ आपको प्रॉपरली एक सिटिंग बे विंडो की तरह क्रिएटेड मिल जाएगा, ताकि आप एक हाई राइज टावर का जो है व्यू भी प्रॉपरली एंजॉय कर पाओ अपने विंडो से। उस हिसाब से इन पर्टिकुलर बे विंडोज़ का डिज़ाइनिंग यहाँ पर किया गया है। इस पर्टिकुलर बेडरूम में आप बड़े आराम से वार्डरोब एंड आपका क्वीन साइज़ का बेड एंड साथ ही अगर आप स्टडी टेबल भी लगाना चाहो तो वो प्रॉपरली इस पर्टिकुलर बेडरूम में आ जाएगा। उस हिसाब से स्पेस आपको गेस्ट बेडरूम में मिल जाता है। गेस्ट बेडरूम को अटैच्ड इस तरफ आपको वॉशरूम भी मिल जाता है। आइए इसे क्विकली चेक कर लेते हैं। काफ़ी रिच एंड ब्रांडेड फिटिंग्स वाले आपको वॉशरूम्स में CP Ware एंड सैनिटरी वेयर प्रॉपरली दिए हुए हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड एंड ग्रोहे कंपनी के आपको यहाँ पे CP Ware एंड सैनिटरी वेयर देखने को मिल जाते हैं। टाइल्स का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा एंड रिच रखा गया है। यहाँ पे आपका बेडिंग स्पेस, साथ ही आपको गीज़र इंस्टॉल करने के लिए पॉइंट्स भी पहले से दिए हुए हैं। ये आपका बेसिन स्पेस और इस तरफ आपका जो है वॉल माउंटेड कमोड स्पेस प्रॉपरली इस पर्टिकुलर वॉशरूम में दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट को चेक करते हैं। आ जाइए एंट्रेंस लॉबी से जैसे ही आप आगे आते हो, आपको एल शेप में प्रॉपरली लिविंग डाइनिंग स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है। एल शेप में होने की वजह से काफ़ी स्प्रेड आउट आपका फ्लैट का लेआउट प्रॉपरली यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बात करूँ लिविंग एरिया की, तो 15.7x11 साइज़ का स्पेशियस आपको जो है लिविंग एरिया प्रॉपरली मिल जाता है। लिविंग एरिया को अटैच्ड आपको कंपलसरी कवर्ड बालकनी भी मिल जाती है।
इसकी अगर मैं साइजिंग की बात करूं तो आपको 11x5.1 साइज़ का कवर्ड बालकनी मिल जाता है, स्टेनलेस स्टील एंड आपका जो है टफन ग्लास सेटअप के साथ, ताकि आप हाई राइज का व्यू आप प्रॉपरली अपने बालकनी से ही एंजॉय कर पाओ। उस हिसाब से बालकनीज आपको यहाँ पे दी हुई है। लिविंग एरिया में अगर मैं अरेंजमेंट्स की बात करूँ तो इस साइड पे आप प्रॉपरली आपका एल शेप का सोफ़ा बड़े आराम से लगा सकते हो। 6 सीटर तो बड़े आराम से आ जाएगा, 7 सीटर 8 सीटर भी आप यहाँ पे आपकी सोफ़ा की अरेंजमेंट प्रॉपरली कर पाते हो। इस तरफ इस पर्टिकुलर वॉल पे आप आपके टेलीविजन यूनिट का सेटअप कर पाओगे। उस हिसाब से यहाँ पे आपको मल्टीपल पॉइंट्स पहले से दिए हुए हैं। इस पर्टिकुलर वॉल पे आप 55, 60, 65 या 70 इंच का टेलीविजन वॉल माउंटेड बड़े आराम से लगा पाओगे। उस हिसाब से जगह आपको यहाँ पे मिल जाती है। साथ ही वीडियो डोर फोन जो इंस्टॉल्ड है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, ताकि बाहर जो भी विजिटर्स आएंगे वो आप यहाँ पे प्रॉपरली देख पाओगे। इस तरफ आपको प्रॉपरली डाइनिंग एरिया मिल जाता है। इसकी अगर मैं साइजिंग की बात करूँ तो 7.3x7.9 साइज़ का आपको यहाँ पे 6 सीटर या 8 सीटर का डाइनिंग स्पेस आराम से क्रिएट कर सकते हो। उस हिसाब से स्पेस यहाँ पे दी हुई है। साथ ही आप चाहें तो डाइनिंग एज वेल एज आपका टेम्पल स्पेस यहाँ पे एडजस्ट कर पाओगे, उतना स्पेस आपको इस पर्टिकुलर कॉर्नर में मिल जाता है। इस तरफ आपको किचन एरिया मिल जाता है डाइनिंग को अटैच। आइए इसे क्विकली चेक करते हैं। 7.7x8.4 साइज़ का एल शेप प्लेटफॉर्म के साथ आपको किचन यहाँ पे प्रॉपरली मिल जाता है। ये आपका सर्विस प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको मल्टीपल स्विच बोर्ड्स दिए हुए हैं, ताकि आपका मिक्सर ओवन ग्राइंडर ये सर्विस प्लेटफॉर्म पे प्रॉपरली आ जाए। उस हिसाब से ये सर्विस प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन किया गया है। इस तरफ आपका कुकिंग स्टोव आ जाएगा प्रॉपरली। इस तरफ विंडो है जिसमें आप चाहे तो एग्जॉस्ट फैन प्रॉपरली लगा सकते हैं। साथ ही अगर आपको चिमनी भी इंस्टॉल करना है तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा सिंक आपको मिल जाता है एंड एक बड़ा सिंक आपको ड्राई बालकनी में प्रॉपरली दिया हुआ है। छोटा सिंक इस हिसाब से दिया हुआ है ताकि आप जो आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो आप प्रॉपरली यहाँ पे वॉश कर पाओ उस हिसाब से। साथ ही अगर आपको यहाँ पे वाटर प्यूरीफायर इंस्टॉल करना है तो उसके लिए एक वाटर कनेक्शन एंड एक स्विच बोर्ड प्रॉपरली अलग से मिल जाता है। इस तरफ ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पे एक और पॉइंट आपको दिया जाता है, ताकि आप यहाँ पे आपका फ्रिज वगैरह प्रॉपरली इंस्टॉल कर पाओ। उस हिसाब से ये कॉर्नर का यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो। इस तरफ आपको ड्राई बालकनी मिलती है प्रॉपरली, जिसमें इस तरफ आपको एक प्रॉपर सिंक दिया गया है ताकि आपके डर्टी यूटेंसिल्स आप वॉश कर पाओ। उस हिसाब से यहाँ पे बाहर की तरफ एक सिंक पहले से ही आपको मिल जाएगा एंड इस पर्टिकुलर कॉर्नर पे आप आपका वॉशिंग मशीन इंस्टॉल कर पाओ। उस हिसाब से इनलेट आउटलेट एंड इलेक्ट्रिक बोर्ड आपको प्रॉपरली मिल जाता है। आइए नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट को चेक करते हैं। आ जाइए लिविंग डाइनिंग से होते हुए इस तरफ आपको 2 बेडरूम्स आपको मिल जाते हैं। आइए डाइनिंग एरिया के जैसे ही आप आगे आते हो इस तरफ आपको पहला जो है बेसिन स्पेस बाहर की तरफ मिल जाता है। काफ़ी डिज़ाइनर बेसिन स्पेस आपको प्रॉपरली यहाँ पे दिया हुआ है। ऊपर एक लॉफ्ट भी दिया हुआ है जिसमें आप आपका वाईफाई एंड इन्वर्टर आपको विद बैटरी बैकअप्स पहले से इंस्टॉल यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको उस हिसाब से इस लॉफ्ट का भी यूटिलाइजेशन प्रॉपरली किया हुआ है। इस तरफ आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाता है, यहाँ पे बेडिंग स्पेस एंड यहाँ पे वॉल माउंटेड कमोड आपको प्रॉपरली मिल जाता है। अगेन ग्रोहे कंपनी के एंड अमेरिकन स्टैंडर्ड कंपनी के सीपी वेयर एंड सैनिटरी वेयर आपको प्रॉपरली दिए हुए हैं वॉशरूम्स में। आइए किड्स बेडरूम को चेक करते हैं क्विकली। आ जाइए इस तरफ आपको किड्स बेडरूम मिल जाता है। किड्स बेडरूम की अगर मैं साइजिंग की बात करूँ तो 10x10 साइज़ का आपको ये पर्टिकुलर किड्स बेडरूम प्रॉपरली मिल जाता है। बेस्ट पार्ट है यहाँ पे आपको क्रॉस वेंटिलेशन के हिसाब से एक विंडो इस तरफ मिलती है एंड एक बड़ी सी विंडो आपको यहाँ पे मिल जाती है, विच इज़ ए बे विंडो अगेन, जहाँ पे आपके किड्स प्रॉपरली बैठ के एक हाई राइज का व्यू भी प्रॉपरली एंजॉय कर पाते हैं। उस हिसाब से यहाँ पे बे विंडो की अरेंजमेंट की गई है। आपके किड्स बेडरूम में आप प्रॉपरली स्टडी टेबल वार्डरोब एंड आपके किड्स के लिए बेड की अरेंजमेंट प्रॉपरली कर पाते हो, उतनी स्पेस आपको किड्स बेडरूम में मिल जाती है। आइए नेक्स्ट मास्टर बेडरूम को चेक करते हैं। आ जाइए इस तरफ आपको मास्टर बेडरूम मिल जाता है, विच इज़ ऑफ साइज 13.3x10 साइज़ का आपको ये ग्रैंड मास्टर बेडरूम प्रॉपरली यहाँ पे मिल जाता है। जहाँ पे अगर मैं अरेंजमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेपरेट निश आपको मिल जाती है, जहाँ पे आपका वार्डरोब प्रॉपरली आ जाएगा। इस पर्टिकुलर निश में यहाँ पे आपको अटैच्ड बालकनी मिल जाती है एंड ऊपर का अगर आप स्पेस देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आप प्रॉपरली आपका स्टोरेज स्पेस अपने फर्नीचर में बना पाओगे। उस हिसाब से अरेंजमेंट्स यहाँ पे दी हुई है। ये पर्टिकुलर जो वॉल है यहाँ पे आप बड़े आराम से आपका टेलीविजन यूनिट का सेटअप कर पाते हो। उस हिसाब से यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं एंड टेलीविजन सेटअप के अपोजिट साइड पे यहाँ पे आपका क्वीन साइज़ का बेड प्रॉपरली आ जाएगा। उस हिसाब से इस पर्टिकुलर स्पेस को आप प्रॉपरली यूज़ कर सकते हो। साथ ही मास्टर बेडरूम में आपको क्रॉस वेंटिलेशन के हिसाब से यहाँ पे एक और विंडो दी गई है, जहाँ से आपको काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन एंड काफ़ी अच्छा व्यू आपके मास्टर बेडरूम से मिल जाएगा एंड मास्टर बेडरूम को अटैच्ड इस तरफ आपको कवर्ड बालकनी मिल जाती है।
विच इज़ ऑफ साइज़ 5x5 साइज़ का, काफ़ी अच्छा व्यू एंड काफ़ी डिसेंट साइज़ की बालकनी आपको अटैच मास्टर बेडरूम के साथ मिल जाती है। इस तरफ आपको अटैच्ड मास्टर वॉशरूम मिल जाता है। आइए इसे भी क्विकली चेक करते हैं। अगेन ब्रांडेड फिटिंग्स वाले आपको यहाँ पे सीपी वेयर एंड सैनिटरी वेयर मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का आपका मास्टर वॉशरूम रहेगा, जहाँ पे यहाँ पे आपका प्रॉपरली बेथिंग स्पेस रहेगा, यहाँ पे आपका वॉल माउंटेड कमोड स्पेस एंड ये आपका जो है बेसिन स्पेस, एक अच्छा डिज़ाइनर बेसिन एंड कमोड आपको यहाँ पे इन पर्टिकुलर फ्लैट्स में मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके के 920 स्क्वायर फीट कारपेट वाले 3 BHK फ्लैट्स आपको मिल जाते हैं। आइए लिविंग एरिया की तरफ बढ़ते हैं। तो ये 920 स्क्वायर फीट वाले 3 BHK है, आपको 845 स्क्वायर फीट से लेके 920 स्क्वायर फीट वाले 3 BHK यहाँ पे प्रॉपरली मिल जाते हैं। अगर आपको सिंप्लेक्स 3 BHK चाहिए तो वो 950 स्क्वायर फीट वाले भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको डुप्लेक्स चाहिए तो डुप्लेक्स 4 BHK भी अवेलेबल है, विच इज़ ऑफ कारपेट 1400 स्क्वायर फीट कारपेट। आइए अब क्विकली 700 स्क्वायर फीट वाले 2 BHK फ्लैट का सैम्पल फ्लैट टूर कर लेते हैं। चलिए 2 BHK का सैम्पल फ्लैट टूर करते हैं, विच इज़ ऑफ कारपेट 700 स्क्वायर फीट। 3 BHK की तरह ही आपको यहाँ पे ब्रांडेड हिकविजन का विडो डोर फोन प्रॉपरली मिल जाता है। तोरण इंस्टॉल करने के लिए आपको हुक्स प्री इंस्टॉल्ड प्रॉपरली आपके डोर पे मिल जाएंगे एंड 3.5 फीट वाइड आपका ये एंट्रेंस डोर आपको प्रॉपरली मिल जाता है। आइए एंट्रेंस डोर से आप जैसे ही एंटर करते हो, आपको एक छोटा सा 4x4 साइज़ का एंट्रेंस लॉबी प्रॉपरली मिल जाता है। डोर के पीछे की तरफ आप शू रैक लगा सकते हो, उस हिसाब से आपको डोर के पीछे की स्पेस प्रॉपरली एंट्रेंस लॉबी में मिल जाती है। एंट्रेंस लॉबी से आप जैसे ही अंदर आते हो, आपको ग्रैंड लिविंग डाइनिंग एल शेप में यहाँ पे प्रॉपरली देखने को मिल जाता है। बात करूँ अगर साइजिंग की, तो आपको लिविंग एरिया प्रॉपर 15x10 साइज़ का यहाँ पे 2 BHK में प्रॉपरली मिल जाता है एंड डाइनिंग की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 8x5 साइज़ का एक डाइनिंग स्पेस आपको अलग से यहाँ पे प्रॉपरली मिल जाता है। लिविंग एरिया को अटैच्ड कंपलसरी आपको इस तरफ बालकनी मिल जाती है, जिसकी अगर मैं साइजिंग की बात करूँ तो 10x4.1 साइज़ का प्रॉपरली कवर्ड एंड अटैच्ड बालकनी आपको लिविंग के साथ मिल जाती है। लिविंग एरिया की अरेंजमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये जो पर्टिकुलर वॉल है सामने, यहाँ पे आप प्रॉपरली आपका टेलीविजन यूनिट इंस्टॉल कर पाओगे। उस हिसाब से यहाँ पे जो है स्विच बोर्ड्स पहले से ही दिए हुए हैं एंड इस पर्टिकुलर कॉर्नर पे आप एल शेप का आपका 6 सीटर का 3+2+1 का 6 सीटर सोफ़ा आराम से लगा पाओगे। उस हिसाब से आप यहाँ पे अरेंजमेंट आपके लिविंग एरिया में प्रॉपरली कर पाते हो। यहाँ पे आपका डाइनिंग एरिया है जो कि लगभग 8x5 साइज़ का है, जो कि आप यहाँ पे प्रॉपरली 4 सीटर का आपका डाइनिंग प्रॉपरली लगा पाओगे। साथ ही एक अलग से स्पेस आपको मिल जाती है पूजा रूम के हिसाब से, तो आप चाहें तो यहाँ पे आपका पूजा रूम प्रॉपरली बना सकते हो या फिर इस पर्टिकुलर कॉर्नर को आप वर्क फ्रॉम होम ऑफिस स्टेशन या फिर लाइब्रेरी के हिसाब से प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हो इस पर्टिकुलर कॉर्नर को। डाइनिंग को लग के इस तरफ आपको किचन एरिया मिल जाती है। किचन की अगर मैं साइजिंग की बात करूँ तो 8.2x7.7 साइज़ का एल शेप प्लेटफॉर्म के साथ प्रॉपर आपको किचन यहाँ पे दिया हुआ है। जहाँ पे अरेंजमेंट्स की बात करूँ तो ये आपका सर्विस प्लेटफॉर्म आ गया, जहाँ पे आप चॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। साथ ही मल्टीपल स्विच बोर्ड्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जहाँ पे आप प्रॉपरली आपका मिक्सर ग्राइंडर एंड ओवन लगा पाते हो एंड यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आप प्रॉपरली गैस स्टोव लगा पाते हो। इसके ऊपर अगर आप चाहें तो चिमनी भी प्रॉपरली इंस्टॉल कर पाते हो एंड यहाँ पे एक छोटा सा सिंक आपको मिल जाता है सेम लाइक 3 BHK, जहाँ पे आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वॉश कर पाते हो। साथ ही अगर आप चाहें तो इस पर्टिकुलर वॉल पे यहाँ पे आप प्रॉपर आपका वाटर प्यूरीफायर लगा पाते हो, उस हिसाब से वाटर कनेक्शन एंड इलेक्ट्रिक बोर्ड आपको यहाँ पे प्रॉपरली मिल जाता है। ये पर्टिकुलर कॉर्नर पे आप आपका रेफ्रिजरेटर लगा पाते हो, उस हिसाब से स्पेस यहाँ पे है एंड एक स्विच बोर्ड भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है सेम लाइक 3 BHK। आपको 2 BHK में भी बाहर की तरफ सिंक एरिया मिल जाता है, जिसमें एक बड़ा सा सिंक दिया हुआ है ताकि आपके जो भी डर्टी यूटेंसिल्स हैं वो आप वॉश कर पाओ। उस हिसाब से ये बड़ा सा सिंक आपको यहाँ पे प्रॉपरली मिल जाता है। साथ ही इस तरफ का जो स्पेस है यहाँ पे आप आपका वॉशिंग मशीन इंस्टॉल कर पाओगे। इनलेट आउटलेट है, इलेक्ट्रिक बोर्ड पहले से ही आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। आइए नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट को चेक करते हैं। तो एल शेप लिविंग डाइनिंग से होते हुए जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं बेडरूम्स की तरफ, तो आपको सबसे पहले इस तरफ जो है एक छोटा सा बेसिन बाहर की तरफ प्रॉपरली मिल जाता है अमेरिकन स्टैंडर्ड का प्रॉपरली एक अच्छे डिज़ाइन वाला। एंड यहाँ से आप जैसे ही आगे आते हो तो आपको इस तरफ कॉमन वॉशरूम मिल जाता है। क्विकली आप कॉमन वॉशरूम को भी चेक कर लीजिए। सीपी वेयर एंड सैनिटरी वेयर अगेन आपको ब्रांडेड ही मिलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड एंड ग्रोहे कंपनी के। ये जो कॉमन एरिया है यहाँ पे भी अगेन आपको एक लॉफ्ट स्पेस मिल जाता है। आप ऊपर की तरफ चेक कर सकते हैं क्विकली। इस लॉफ्ट स्पेस में आपको
प्रॉपरली आपका वाईफाई आप इंस्टॉल कर सकते हो, एंड बिल्डर्स की तरफ से आपको इन्वर्टर्स विद बैटरी बैकअप यहाँ पे प्रॉपरली इंस्टॉल करके पहले से ही दिए हुए हैं। इस तरफ आपको फर्स्ट बेडरूम मिल जाता है। आइए इसे क्विकली चेक करते हैं। 10x10 साइज़ का ये किड्स बेडरूम आपको 2 BHK फ्लैट में प्रॉपरली मिल जाता है। अगर आप इसमें अरेंजमेंट्स की बात करें तो आपको यहाँ पे भी प्रॉपरली बे विंडोज अलग से मिल जाते हैं, जहाँ से आप एक हाई राइज का व्यू प्रॉपरली एंजॉय कर पाते हो। उस हिसाब से यहाँ पे किड्स बेडरूम में बे विंडो दिए हुए हैं। यहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए एक और विंडो प्रॉपरली मिल जाता है। एंड किड्स बेडरूम में आप बड़े आराम से किड्स के लिए बेड, वार्डरोब एंड स्टडी टेबल की अरेंजमेंट कर पाते हो। आइए क्विकली मास्टर बेडरूम को चेक करेंगे। आ जाइए, स्पेशियस मास्टर बेडरूम आपको मिल जाते हैं इन पर्टिकुलर फ्लैट्स में। इसकी अगर मैं साइजिंग की बात करूँ तो 13.3x10 साइज़ का आपको स्पेशियस मास्टर बेडरूम यहाँ पे प्रॉपरली मिल जाता है। मास्टर बेडरूम में आपको अटैच्ड बालकनी यहाँ पे मिल जाती है। आइए क्विकली मास्टर बेडरूम के अटैच्ड बालकनी को चेक करेंगे। लगभग 5x5 साइज़ का आपका ये अटैच्ड मास्टर बेडरूम के साथ बालकनी आपको मिल जाती है। बालकनीज में आपको कुछ इस तरीके के टफन ग्लास के रेलिंग के सेटअप प्रॉपरली मिल जाते हैं। तो एक डिसेंट अटैच्ड बालकनी आपको मास्टर बेडरूम के साथ भी कंपलसरी मिल जाती है। यानी कि 2 BHK में भी 2 बालकनी है एंड 3 BHK में भी आपको प्रॉपरली 2 बालकनीज यहाँ पे मिल जाते हैं। ये पर्टिकुलर जो स्पेस है यहाँ पे अलग से जो आपको मिल जाती है, यहाँ पे आप प्रॉपरली आपका वार्डरोब बना सकते हो। उस हिसाब से स्पेस दी हुई है एंड आपके फर्नीचर में आप वार्डरोब के ऊपर एंड इस पर्टिकुलर बालकनी के ऊपर प्रॉपरली आपका स्टोरेज स्पेस बना सकते हो। उतनी स्पेस आपको ऊपर की तरफ प्रॉपरली मिल जाती है। ये पर्टिकुलर वॉल अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको टेलीविजन यूनिट सेटअप करने के लिए पॉइंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आपका क्वीन साइज़ का बेड प्रॉपरली आ जाएगा। उस हिसाब से अरेंजमेंट्स आपके मास्टर बेडरूम में किए हुए हैं। इस तरफ अटैच्ड आपको मास्टर वॉशरूम भी मिल जाता है। आइए इसे भी क्विकली चेक करते हैं। अगेन अमेरिकन स्टैंडर्ड एंड ग्रोहे कंपनी के CPWare सैनिटरी वेयर आपको प्रॉपरली दिए हुए हैं। बेसिन स्पेस, बेदिंग स्पेस एंड कमोड स्पेस आपको यहाँ पे प्रॉपरली दिए जाते हैं। तो कुछ इस तरीके के 700 स्क्वायर फीट कारपेट वाले 2 BHK फ्लैट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। आ जाइए, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आ रही है तो विद इन नेक्स्ट 2 to 3 weeks में इसका लॉन्च डेफिनेटली आने वाला है। उससे पहले टोकन्स कलेक्शंस अभी स्टार्ट हो चुके हैं। 51,000 का 100% रिफंडेबल टोकन अभी ऑनगोइंग है। अगर आपको साइट विजिट के लिए आना है, जूम कॉल प्रेजेंटेशन चाहते हैं या फिर ऑनलाइन टोकन परचेस करना चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए इन नंबर्स पे जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियोस हमने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड करके रखे हुए हैं। आप अगर उन्हें चेक करना चाहते हैं तो आप इन बटन्स पे क्लिक ज़रूर करें। अगर आप पुणे वेस्ट में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट डेफिनेटली करें। हम आपको आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी कम से कम टाइम में एंड बेस्ट से बेस्ट प्राइस डील पर दिलवाएंगे। ये हमारी कमिटमेंट है।